नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन, मैं प्रीति सिंह। इस वक्त आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी। जी हाँ, युवा पीढ़ी अब लड़ रहा है भ्रष्टाचार से। ऐसे ही कुछ खबर आ रहा है पश्चिम बंगाल से, जहां पर भारत स्काउट एंड गाइड के कुछ छात्र ने मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया है। दरअसल ये अपनी तरफ से नाराजगी है कि स्काउटिंग में पहले राज्य राष्ट्रपति और राज्यपाल अवार्ड देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसी को लेकर आनंद नाम के शख्स ने कुछ चर्चा किया, हमें पूरी कहानी बताई। आइए देखेंगे खास रिपोर्ट। बच्चे आज पढ़ाई से, आज जो जिस हिसाब से एडुकेशन है उसे छोड़ करके भी स्काउटिंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि स्काउटिंग किया गया। तो स्काउटिंग में एक अच्छा चीज़ रहता था कि गवर्नर या राष्ट्रपति के हाथों से अवार्ड मिलता था। जैसा कि हम लोग का ये पश्चिम बंगाल में गवर्नर जो थे, हम लोग अवार्ड देते थे खुद, उनका साइन किया हुआ। लेकिन अभी ऐसा नहीं मिल रहा। इसका नहीं मिलने का कारण ये है कि ये जो टीम इनकी है, श्यामल कुमार बिस्वाल जो स्टेट चीफ कमिश्नर स्काउट है और स्टेट और देवादित्य चक्रवर्ती, ये लोग है एसएससी है हमारे स्काउट के, ये लोग इतने करप्शन में पड़े हुए हैं जिससे हम लोग का बच्चों के लिए अन्याय हो गया कि गवर्नर किसी भी चीज़ पे इन लोग के गलत कामों पे तो हाथ डालेगा नहीं। इसीलिए ये लोग साइड में अपना राज्य पुरस्कार करते हैं, बच्चों को दे देते हैं जिससे भी, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। आज राज्य पुरस्कार नाम है तो गवर्नर से ही मिलना चाहिए। ये चीज़ आपने नाम जिक्र किया, आपने कभी कंप्लेन किया इनके नाम से? हम लोग लगातार 4 साल से कंप्लेन कर रहे हैं। ये मुद्दा कोर्ट में भी है, कोर्ट से भी हम लोग को स्टे ऑर्डर मिला, कोर्ट भी बोल दिया कि नहीं गलत हो रहा, अभी ये चीज़ मामला को हम लोग बढ़िया से देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग करते हैं। तो आज का प्रोटेस्ट के बाद लगता है कुछ बदलेगा? देखिए, इससे पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, इन लोगों ने फिर हम लोगों को बुलाया, लेकिन अपना दबाव से कि अपना बात को मनवाने का कोशिश किया गया कि नहीं, तुमको हम लोग जो बोल रहे हैं वही तुम लोगों को करना पड़ेगा। आपने हाई अथॉरिटी से बात की इस मामले में? सबसे हाई अथॉरिटी सबसे बात की है, लगातार 4 साल से ये चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक 28 बैठकें हो गई, लेकिन बैठकों में हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इन लोग का दाल वहाँ नहीं गलेगा, क्योंकि करप्शन करने आए हैं, इसीलिए हम लोगों को अवॉइड किया जाए। तो आप लोग क्या सेलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं कि सभी एक साथ पूरे के पूरे बैच? नहीं, सेलेक्टिव नहीं है, ये हम लोग का एक समूह है। जैसे हम लोग वेस्ट कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बाजार और कोलकाता अंचल के जितने स्कूल हैं उसमें कंपलसरी स्काउटिंग करते हैं, हम लोग करते हैं। बात ये था कि जैसे हम लोग में एक डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर एक पोस्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर जो होता है वो आगे जा कर के डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर के पोस्ट के लिए वो इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर श्री अविनाश कुमार गुप्ता जी हैं, उनका नेतृत्व और उनका क्षमता देख करके ये लोग घबरा गए। ये चाहते हैं कि अगर ये स्टेट चीफ कमिश्नर बन गया तो हमारा करप्शन बंद हो जाएगा, इसी से ये लोग भयभीत है और सिर्फ हम ही लोग को हटा करके साइड लाइन करके रखे हुए हैं। जैसे कि एक मुद्दा सबसे बड़ा है कि डे केयर स्कूल विकलांग बच्चों का स्कूल है, जिस पे हम लोग 2018 से, इन्होंने बोला ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, 2018 में हम लोग को सौंप दिए कि आप लोग इसे चलाएं, और हम लोग उसे बहुत बढ़िया से चला रहे हैं। वहाँ विकलांग बच्चों को अच्छे ट्रेनिंग दिया जाता है। गवर्नमेंट से आया हुआ ग्रांट, जो गवर्नमेंट से लाखों रुपये का ग्रांट आया था, ये लोग उसे भी हजम कर लिए, उसे भी खा लिए, और जो हम लोग का स्टेट ट्रेनिंग सेंटर है गंगानगर मध्यम ग्राम में, वो 50 बीघा के ऊपर ज़मीन है, उसे ये लोग गेस्ट हाउस बना करके या शादी का रिसेप्शन में ये सब वहाँ पे भाड़ा लेकर के ये लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। और ये खबर है हमारे पास, हम लोग इसको लेकर के कंप्लेन भी किए थे, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किए हैं, और हम लोग इसका मुख्यमंत्री को भी कंप्लेन किए हैं, हम लोग गवर्नर को भी इस चीज़ को लिखित में हम लोग कंप्लेन किए हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, वहाँ पे गलत तरीके का काम करवाते हैं ये लोग। तो ये सब मुद्दाएँ हैं, और इसमें से दो ही जन हैं, एक स्टेट चीफ कमिश्नर देवादित्य चक्रवर्ती और दूसरा श्यामल कुमार बिस्वाल। कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट है, आज से 4 साल पहले इस डिस्ट्रिक्ट को भंग करके इसको लोकल कर दिया, वो भी नियम के बहिर्भूत किए हैं, इसमें तो दिक्कत हो रहा है। बार बार हम लोग इससे मीटिंग किए हैं, इससे स्काउट से मीटिंग किए हैं, फिर ये लोग नहीं सुन रहा है।
उसके बाद बहुत सारे क्रशन है, डे केयर सेंटर बोल के एक तो सेक्शन चल के स्कूल चलता है, 2018 में वो स्कूल ये लोग बंद कर दिया, तो हम लोग एक तो एन जी ओ के माध्यम से उसको अडप्ट करके चला रहा है, मगर उधर का जो सरकार का ग्रांट है वो आ रहा है, तो उस ग्रांट जब हम लोग को पता चला, इन लोग को जो टीचर है ये लोग बोले हैं, पहले तो ना कर दिया, फिर जब ज़बरदस्ती बोले हैं कि हाँ आए हैं तब थोड़ा थोड़ा रुपया दिया, मगर अभी तक तो कागज़ दिखाने के लिए बोल रहा है वो भी नहीं कर रहे हैं। फिर एक तो गंगानगर में ट्रेनिंग सेंटर है, उसी में बिजनेस चल रहा है, सीधा बात बिजनेस चल रहा है, पहले कभी आज बहुत साल से हम लोग देख रहे हैं, तो उधर गंगानगर ट्रेनिंग में ट्रेनिंग सेंटर हुआ, अभी होटल बनाते ये भी एक टाइप का करप्शन हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे है, इधर बोलने से ख़त्म नहीं होगा। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर, अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री, जियो टीवी प्ले ऑन ई बाबा यूट्यूब फेसबुक, अब आप चला सकते हैं एड एक महीने के साथ एक महीना, वो भी बिल्कुल फ्री, तो अब देर किस बात की, एड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल फेसबुक यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।